दोस्तों बीपीएससी एग्जाम का रिजल्ट आया और रिजल्ट आते ही लाखों बच्चे का भविष्य बदलने वाला है, लेकिन इसी की आड़ में ओल झोल बहुत वैकेंसी में आया है। और वकील साहब हमारे साथ बैठे हैं, हाईकोर्ट के एडवोकेट शिवरंजन भारती सर हैं, जो कि सारे चीज़ों का पोल खोलेंगे। सर, रिजल्ट आने के बाद बहुत लोगों की खुशी मिली है, बच्चों की, अभ्यर्थियों का, शिक्षकों शिक्षक बनेंगे, लेकिन ओल झोल भरा हुआ है। इसको पूरे विस्तार से मैं बता दूं कि कहां पर क्या त्रुटि हुई है, मूल रूप से ये कहां से कहानी शुरुआत हुई और कहां पर अंत हुई और आगे अभी समाधान क्या है और उसमें उम्मीद क्या है, वो एक एक चीज़ आपको बता रहे। शुरुआती दौर में पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो देखिए, सरकार ने जो वैकेंसी दी थी तो 79,000 लोगों का वैकेंसी उन्होंने बताया था। अभी रिजल्ट देखिए, 79,000 का इन्होंने वैकेंसी दिया और जो चेयरमैन साहब के बयान के मुताबिक यदि चलेंगे तो उन्होंने कहा कि 72,419 लोगों का हम रिजल्ट दे रहे हैं। हालांकि जब रिजल्ट का हम लोगों ने गणना किया जो त्रुटिपूर्ण था, 1800 रिजल्ट, उसमें भी 72,000 में भी कम है। अब उसके बाद जब इसमें ऐसा कहा जा रहा है, अब डाटा बेस्ड नहीं है, कि ये जो अभी जो 72,000 का रिजल्ट दिया गया है जो बीपीएससी के द्वारा, उसमें लगभग 42,000 नियोजित शिक्षक आए हैं। तो अब एक तो चीज़ ये हो गया, अब दूसरी और अहम बात इसमें जो मूल रूप से देखा जाएगा कि बीएड वाले को जो चुन, इसमें जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो स्पष्ट उन्होंने कहा कि पाँचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए पढ़ाने के लिए डीएलएड ही सूटेबल है। उसके पीछे भी बहुत सारी कारण है जिसको कई इंटरव्यू हमने जिक्र किया, लेकिन मूल बहुत लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हुआ कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इतना ऐसे कैसे कि ग्रेजुएशन के बाद होता है बीएड, 12वीं के बाद होता है डीएड, तो 12वीं वाले ज़्यादा कम्पिटेंट हो गए एज़ कम्पेयर टू ग्रेजुएशन, ये लोगों को हजम नहीं हुई। इस पर एक मैंने इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन मूल रूप से जो जस्टिफिकेशन इसका ये है कि जो बच्चे को जो पढ़ाने की शैली होती है वो मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया जाता है, उस बच्चे को नृत्य शैली से पढ़ाया जाता है, तो वो जो है सो डीएलएड के ही सिलेबस में है कि पाँचवीं कक्षा तक के छात्रों को आप कैसे पढ़ाएंगे। एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि प्रोफेसर साहब पीएचडी किए हुए होते हैं, उनको कहिएगा नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए सर पे हाथ लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको जो मैच्योर पर्सन है उनको पढ़ाने का उनका शैली होता है। तो अब सवाल वही हुआ कि डीएलएड वाले को का जो सिलेबस है उसी में बच्चों को पढ़ाने की शैली थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना और उन्होंने 11-8 का जो डिसीजन था उन्होंने सिंपल सा कहा कि जो अप टू पाँचवीं कक्षा तक के पूरे हिंदुस्तान के संदर्भ में उन्होंने ये बातें कहा कि डीएलएड जो कोर्स है वो उसमें चूँकि बच्चों को पढ़ाने की शैली होती है तो पाँचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए उन्हीं को सूटेबल माना गया। उसके बाद जो है जब आप उसमें देखेंगे ये सब सारा चीज़ हो जाने के बाद, अब डीएलएड का तो यहाँ पर तो कर दिया। अभी देखिए जब एग्ज़ाम के टाइम में समझिए कितना ओल झोल चीज़ हुआ, जब ये जजमेंट आया हम लोगों ने कई बार इंटरव्यू के माध्यम से या बहुत सारे छात्रों को भी बताया कि ये एग्ज़ाम का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बियॉन्ड कुछ जा ही नहीं सकता है, क्योंकि बिहार को भी पार्टी बनाया गया था, उसमें बिहार को अपॉर्चुनिटी भी दी गई थी, भले ही लोगों ने स्वीकार नहीं किया, और उसमें जो है सो उन लोगों को एग्ज़ाम के तौर पर जो है सो इन लोगों को बोला गया कि डीएलएड वाले को एग्ज़ाम में आप लीजिए, बीएड वाले को मत लीजिए, क्योंकि क्यों उसको हरास किया गया। लेकिन ज़बरदस्ती यहाँ पर बोला है कि नहीं एग्ज़ाम तो हम ले ही सकते हैं, रिजल्ट नहीं देंगे, इसका क्या मतलब? एक जो छात्र बीएडधारी जो थे जिनका एग्ज़ाम में रिजल्ट ही नहीं देना था तो उनको बेवजह परेशान हरास करने के लिए भेजा गया विभिन्न सेंटर्स पर। आप मान लीजिए पटना से कोई आदमी को मधुबनी भेजा गया, सहरसा सुपौल, या सहरसा सुपौल के आदमी को पटना या गया, तो कितने डिस्टेंस से उनको गुजरना पड़ा, 3,000-2,000 का एक्स्ट्रा बर्डन हुआ और परिणाम क्या हुआ, उनका रिजल्ट पाँचवीं कक्षा तक में रिजल्ट नहीं दिया गया। उसके बाद एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, अब तो जो जिनका रिजल्ट हुआ है उसमें उन्होंने कहा, आयोग का कहना था जो एज पर द वैकेंसी, कि कोई भी शेड्यूल कास्ट हो, महिला हो, इन लोगों का और चाहे वो विकलांग हो, उनके लिए इन्होंने फिक्स किया था मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क कि यदि उनको 32% आएगा यानी कि 120 का हुआ था तो इसका जब जोड़ेंगे आप तो 38.40 करके है, इतना मार्क्स मिनिमम क्वालिफिकेशन था ये लोगों के लिए, यानी कि हम लोगों ने राउंड फिगर में कहा कि 39 मार्क है जिसका वो एलिजिबल हो गया। इसके अलावा यदि आप उसमें जाएंगे, मैंने 39 नंबर जिसको आ जाएगा शेड्यूल कास्ट में, या कोई महिला हो, किसी भी वर्ग का महिला हो या विकलांग हो, तो उनको कहा गया कि एलिजिबल है। अब रिजल्ट जब अभी जारी किया गया तो उसमें जो आप देखेंगे तो 7584 रिजल्ट दिया गया।
अब उसमें यानी कि 3100 समथिंग रिजल्ट जो है सो पेंडिंग रख लिया गया कि सुयोग्य कैंडिडेट नहीं मिले, जबकि मेरे पास नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट का है लिस्ट, जिसमें आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट में 44, 45, 46, 47 इतना नंबर यानी कि 57 नंबर तक का स्टूडेंट को देखने की रिजल्ट नहीं हुआ है। तो आप रिजल्ट नहीं दिखा रहे हैं और क्वालिफाइड वो किए हुए और सीट वैकेंट दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे छात्र क्या करें। दूसरी बात, वही सिस्टम है आपको इधर एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास का, बैकवर्ड क्लास में भी वही चीज़ है, तो जनरल में भी वही है, EWS में, सारे चीज़ों में। तो आखिर तो इसमें बड़ी ही दुविधाजनक स्थिति में छात्र हैं, डिप्रेशन में हैं। ऐसे भी छात्रों का, कुछ छात्रों का रिजल्ट मैं मानता हूं कि मिस्टेक से होता है, लेकिन बहुत सारे छात्रों का, ऐसे छात्रों का जो बीएड किए हुए हैं उनका भी रिजल्ट इसमें दिखा दिया गया है। वो जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में गए तो उनका जो छटनी होगा तो और वेटिंग लिस्ट मैंने और भी वैकेंसी की संख्या ज़्यादा होगी, तो इसका एक क्या होगा। अभी देखिए उस छात्रों का दर्द कौन समझेगा कि एक तो पहले DLED किया वो पास किया, उसके बाद उसने CTET का एग्ज़ाम पास किया, BPSC के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का मार्क्स था वो ले आया और फिर भी उसका नियोजन नहीं हो रहा है। इस उम्मीदवार, अब क्या है कि फिर से यदि ये जो फॉर्मूला है इसके मुताबिक नेक्स्ट वैकेंसी की बातें कही जा रही है, ये तो लूडो में जिस तरीके से सांप और सीढ़ी की खेल खेली जाती थी कि 99 पर भी सांप काट लिया तो अब 0 पर आ गए, तो वही बात हो गया, 99 तक बच्चा पहुँचा हुआ, वहाँ के बाद कह रहा है कि आप बैक होइए। तो उस छात्रों की छरपटाहट का मेन वजह वही है। तो इसमें जो हम लोग जो न्यायालय में प्रेयर कर रहे हैं, हम लोगों को न्यायालय से यही कहना है, जो हम लोग मेन पोर्शन ला रहे हैं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लेके आ गए हैं हर वर्ग में, जैसे शेड्यूल कास्ट में 39, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो है सो 41, बैकवर्ड में भी 44 जो निर्धारित किया गया, इतने मार्क्स यदि लेके आ गए हैं और सारा जेन्यून है उनका सर्टिफिकेट से लेके और लैंग्वेज में यदि वो पास कर गए, तो इनको नेक्स्ट वैकेंसी का नहीं दिया जाए। अब ये इनका जितना का फुल हो गया ठीक है, जितना आपको कह रहे हैं कि 1,00,000 का हम वैकेंसी देंगे तो ये इनको मर्ज कर दिया जाए उसमें कि ठीक है, कर दिया जाए चूंकि वो तो क्वालिफिकेशन इनके पास है ही है, तो इनको आप कर दीजिए। इसमें सिंपल सा बात है, ये गुमराह करने का बच्चों का क्या है मतलब। तो यही चीज़ हम लोग न्यायालय के समय, लेकिन न्यायालय में कभी कभी क्या होता है जो एक टेक्निकल चीज़ है, इसमें न्यायालय कहती है कि जो पेटिशनर आते हैं न्यायालय में तो पेटिशनर के संदर्भ में ही सामान्यतः जजमेंट दी जाती है। वो जनरल तो है नहीं, चूँकि हर विद्यार्थी का अपना अलग कॉज है कि हमको इतना अंक है, इस कैटेगरी से है, ये है वो है, तो पेटिशनर के संदर्भ में ही वो सुनते हैं। इसीलिए मजबूरी हो जाता है कि तो जितने लोग पेटिशनर बन जाते हैं तो न्यायालय कहती है कि चूँकि पेटिशनर जितने लोग हैं इन लोगों पर जो है सो, चूँकि उसको इस प्रत्येक पेटिशनर के संदर्भ में जितने पेटिशन पड़ेंगे BPSC को अपना जवाब देना होगा, तो जवाब देना होगा तो वो जो भी 100, 150, 200 जितने लोगों का रहता है उसके संदर्भ में कभी कभी कहते हैं कि ठीक है हमारे शरण में, चूँकि कोर्ट भी सिंपैथिकली भी जाता है कि चलिए मेरे शरण में आया है तो इन लोगों को आप एडजस्ट कीजिए, चूँकि इनका सारा चीज़ जायज है, जेन्यून है। तो यही मूल रूप से जो है और यही वजह है कि आप जो देख रहे हैं ये विभिन्न तरह का छोटा छोटा ये जो फाइल में आप फाइल में आपको जो देख रहे हैं फाइल पूरा सर, ये तो हमारा पेटिशन का है, एक उदाहरण दे रहे हैं कि विभिन्न छोटा छोटा हम स्मॉल करके ये जा रहे हैं। इतने लोगों की देखिए ये हताशा और निराशा का ही परिचय है कि एक 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 इतने बच्चे एक फाइल में जो आप देख रहे हैं पूरा अंबार जो लगा हुआ है जिसमें हम पिटीशन तैयार कर रहे हैं। अब ये एक सेट है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक सेट है, ये दो सेट माने इसी तरीके से कितने, और ये पूरा फाइल ही भरा हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में इन छात्रों को आप जो कहेंगे कितना एक डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है। और ये भी बात तय है कि यदि आप कोई बच्चा यदि इसको पेटिशन को फाइल कर रहा है इस उम्मीद से कि हमको नौकरी हो ही जाएगी, ये भी कहना ठीक नहीं है। न्यायालय में तो बहुत सारी चीज़ें संभावनाओं पर निर्भर करती है, किस परिस्थिति पर निर्भर करती है, लेकिन विकल्प भी नहीं है छात्रों के पास, किसके पास है वो, तो किसके पास है तो अंतिम विकल्प जब न्याय के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोग न्यायपालिका की ओर बड़े ही उम्मीद के साथ देखते हैं। तो इसमें भी जो है सो न्यायालय के पास जो है सो लोग बड़े ही उम्मीद से इनको देख रहे हैं। अब देखिए इस परिस्थिति में न्यायालय में जो हो, तो यही मूल रूप से जो छात्रों के साथ जो समस्याएं आ रही है यही मुख्य वजह है। प्राथमिक शिक्षक इसमें जो नियोजित शिक्षकों का हुआ है उनका एक अलग था। वो देखिए एक और चीज़ है, नामांकन केवल चेंज हो रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितनी वैकेंसी थी
यदि उतने वैकेंसी पर फ्रेश लोगों का नियोजन होता तो एक भी डीएलएड वाले बाकी नहीं रहा। इसमें सर 42,000 नियोजित भी तो है सर, वही मैं कह रहा हूँ कि 79,000 जितना वैकेंसी था इसमें केवल फ्रेश वैकेंसी वाले बच्चों का यदि नियोजन होता तो एक भी डीएलएड वाले खाली नहीं रहते, सभी को नौकरी हो जाती। हाईतौबा भी नहीं मचता। तो ये तो नामांकन चेंज हो रहा है। अब नामांकन कैसे कि पहले शुरुआती दौर में जो बहाली हुई थी उस टाइम में न्याय शिक्षा मित्र की बहाली हुई, उसी का नाम चेंज करके पंचायत शिक्षक रखा गया, उसी का नाम फिर बाद में जो है सुनियोजित शिक्षक रखा गया। अब छठे चरण और ये जो बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली हुआ तो उसमें भी वही पुराने शिक्षक आ गए और कुछ नए शिक्षकों का, तो ये दिखाने के लिए कि भाई हम तो रोजगार इतना दे देंगे, लेकिन मूल रूप से जो समस्याएँ आ रही है बेरोजगारी का आलम वहीं का वहीं रह जा रहा है। और फिर बच्चे वैकेंसी करेंगे, फिर केस मुकदमा इत्यादि दौर से गुजरेगा और फिर उसी मोड़ पर आ जाएगा। तो ये कोर्ट कचहरी का अब सारे चीज़ों को ये दौर जीतते हुए यदि डीएलएड वाले यहाँ तक पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र किया है डीएलएड वाले छात्रों ने, अब यहाँ तक वो आ गए हैं, चाहे वो बीएड वाले भी अन्य सब्जेक्ट की बात मैं कर लूँ, तो ये जो जितने भी छात्र यहाँ तक आ गए हैं तो प्रेयर यही है कि इसमें जो भी छात्र जो क्वालिफाई कर गए, मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो मार्क्स फिक्स किया गया, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में यदि उनका सब कुछ जेन्यून है तो इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। चाहे वो इस सीट में नहीं हो तो आप जो नेक्स्ट वैकेंसी आप दे रहे हैं तो इसी में उनको आप दे दीजिए कि भाई इसमें नहीं हुआ, सेकंड आपका वेटिंग है उसमें एलिजिबल तो है, एलिजिबल है आप, उसमें आपका नियोजन होगा। इस बात का आश्वासन यदि दे देते हैं तो भी बच्चों को जो है सो कोर्ट जाने से बच जाएंगे। तो कितना राहत मिलेगा सर, आपके शरण में आए हैं, माननीय न्यायालय के शरण में गए हैं, तो कितना राहत? ये आप बहुत लोगों को कह देते हैं कि मेरे ऊपर उम्मीद है, मेरे ऊपर कोई उम्मीद की बात नहीं, ये लोगों को न्यायपालिका पर उम्मीद है, उसमें हम वकील की एक भूमिका क्या होती है। सवाल यह है कि आप मुसीबत में दो तरह की बातें थी लोगों के, छात्रों के पास बहुत छात्र, चूँकि आपके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि उनको अवगत भी करा दें। छात्र ये कहते हैं कि सर इसमें नौकरी का क्या संभावना है, तो एक चीज़ जान लीजिए, जिस तरीके से कोरोना बीमारी हुआ तो कोरोना बीमारी में जो है सो इसका इलाज नहीं था फिर भी तो लोग अस्पताल ही गया, ठीक उसी तरीके से ये जो आपको लग रहा है कि अभी जो परिस्थिति हुई है नौकरी आपको हुआ नहीं, तो एक विकल्प के तौर पर क्या है, या तो आप घर बैठिए या एक हाई कोर्ट में आप एक अपनी याचना करिए कि माननीय न्यायालय क्या पता आप पर आपके गुहार को सुनते हुए कुछ यदि उसमें उनको लगेगा कि हम राहत बच्चों को पहुँचाएँ, और सिंपैथी ग्राउंड हो या जेन्यून ग्राउंड हो तो न्यायालय को यदि लगेगा तो न्यायालय के भी, और कई मुकदमे में तो न्यायालय से लोगों को हुआ है, लेकिन ये कह देना केस से पहले ही कि इसमें जो है सो हो ही जाएगा ये कहना अतिशयोक्ति है। न्यायालय के शरण में जाएंगे, मामला क्या होगा पेंडिंग, लेकिन जितने मेरिट हैं इस केस में, मेरिट पर मुझे लग रहा है कि जो भी छात्र पिटीशन फाइल करेंगे उन और वो क्वालिफाई हैं, यदि वो मिनिमम मार्क्स को यदि अटेंड उन्होंने किया है तो इन लोगों को बहुत प्रबल संभावना है कि नौकरी उन लोगों को मिलेगी। ये काउंसलिंग की बात अब हो रही है, ज्वाइनिंग की बात हो रही है, और आप लोग दखल दे रहे हैं, मतलब आप लोग कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं, तो अब क्या होगा जो ज्वाइनिंग कर लेंगे उनकी नौकरी नहीं जाएगी? आप नहीं नहीं हमको चैलेंज, हम वैकेंसी को नहीं कर रहे, इसीलिए ये बहुत बारीकी से बहुत लोगों का मन में था, हमने वैकेंसी को रद्द करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी लोग हैं इसी समाज के लोग हैं उनको नौकरी हो जाए कोई नहीं। मेरा ये है कि आप इन लोगों को आप भर दीजिए सीट से, कोई प्रॉब्लम नहीं इस वैकेंसी में। जो बच्चे क्वालिफाई कर गए एग्जाम, तीनों एग्जाम कंप्लीट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सब कुछ उसका ओके है, तो ऐसे छात्रों को नेक्स्ट वैकेंसी में फिर से जीरो लेवल से एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरने के लिए मत बाध्य कीजिए। ऐसे छात्रों को ले सिंपल कहिए कि ये सीट हमारे पास है, उस सीट में आप लोगों को अपना मार्क्स के आधार पर आप लोगों का नियोजन होना चाहिए। ये सिंपल सा चीज है। एक मेन सवाल है कि बीएड वाले छात्र और डीएलएड वाले छात्र आपस में जो लड़ाई की सिचुएशन में आते हैं कि हम हमारी वैकेंसी वो क्लियर नहीं, ये जो लोगों को लग रहा है कि बीएड वाले और डीएलएड वाले में, तो उसमें कहीं कोई ना लड़ाई है ना झगड़ा है। हर आदमी अपने जो आप बीएड किए हुए हैं पाँचवीं कक्षा तक के लिए उनको, अब मान लीजिए कोई आदमी कह रहा है कि हम आईएएस भी बनेगा, कहता है चौकीदार का भी हम बहाली भरेंगे, तो वो गलत है। जिस चीज़ के लिए जिसकी एलिजिबिलिटी है उसको ही फिक्स किया जाए। तो आप ज़्यादा पढ़ लिए, मैंने क्या कहा कि पीएचडी किए हैं तो एक प्रोफेसर साहब को कहिए नर्सरी का क्लास लेने के लिए, वो नहीं ले पाएंगे, बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, उनको पढ़ाने की शैली अलग है, तो वो तो क्लियर। और सुप्रीम कोर्ट जब उन्होंने कह दिया तो उसमें अब कोई इफ बट नहीं है, क्योंकि सर्वोपरि न्यायालय है, न्यायालय ने न तो उनको बीएड वाले से ज़्यादा लगा है, न डीएलएड वाले से कोई दुश्मनी है, तो उन्होंने जो किया है तो उसको सबको सम्मान करना चाहिए, यहाँ पर कोई नहीं। सवाल ये है कि चाहे वो बीएड वाले हों
चाहे वो डीएलएड वाले हों। नौकरी की सवाल है, चूँकि बहुत ही अच्छा बहुत सारी बच्ची फ़ोन करती है, किसी की शादी अटकी हुई है। एक बच्ची यूपी से फ़ोन की कि सर नौकरी तो हुआ नहीं, हमारे माँ बाप अब उनको शादी का दबाव दे रहे हैं, कितने दिन हम प्रतीक्षा करें। ये इसी समाज का बच्चा का ये है ना, तो सरकार को इस मामले पर बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा। और एक चीज़ बताइए कि इस बात का कौन जवाब देगा कि जब बीएड वाले का रिजल्ट प्राइमरी टीचर के तौर पर देना ही नहीं था, वो आयोग भी जान रहे थे, तो आखिर उस बच्चे को एग्जाम सेंटर तक आपने क्यों भेजा? इसके पीछे क्या आपकी मंसूबा थी? ये एक बहुत सारा चीज़, उसके पीछे भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा? आप फॉर्म भराने टाइम में ही आपको पता था कि मामला लंबित है, उस टाइम में एग्जाम में 5 दिन आप वेट कर लेते। जो अभी रिजल्ट दिए हैं जल्दबाजी में आप रिजल्ट दे दिए, त्रुटिपूर्ण रिजल्ट जो है वो बहुत है इसमें, बहुत पीछे भी कहीं ना कहीं बहुत सारे का गेम का बात हम राजनीतिक बयान नहीं देंगे। हालांकि हर सरकार का अपना एक चीज़ होता है, एक संभावना ये है कि उस टाइम एग्जाम का डेट था, यदि बीएड वाले को कहता कि एग्जाम नहीं देंगे केवल डीएलएड वाले देंगे, तो विद्रोह की भावना भड़कती, रोड सड़क पर जो है सो आंदोलन होता, तो वो सरकार को एक चुनौती होती, तो सरकार उससे बचने के लिए अपनी बुद्धि कौशल का इस्तेमाल किया। तो इसमें कहने में चूंकि राजहित में जो है, चूंकि अराजकता की स्थिति आती तो सरकार ने बचने का अपना एक रास्ता ढूंढा। एक बात और बहुत अहम बात इसमें यह है कि जरा गौर करने की बात है, एक नई परंपरा चली है, दो शासन लोगों ने देखा तो दो लोगों की शासन प्रणाली रही है। एक जो लोग कहते हैं कि लालू यादव जी के टाइम का प्रशासन, तो उस टाइम में जो लोकतंत्र था उसके जब डिफिनीशन को आप देखेंगे तो उस टाइम में लोग हावी हो गया था तंत्र पर। एक सिंपल आदमी भी जाते थे तो वीडियो साहब, डीओ, एसडीओ साहब, डीएम साहब से एक जनप्रतिनिधि बात करता, यानी कि हावी हो जाता था। आज के परिस्थिति में जो नीतीश बाबू का जो ये शैली है, इसमें क्या है, तंत्र हावी हो गया है लोग पर जी, वो सिस्टम अपने मन से काम कर रही है। आप नेता को प्रतिनिधि के तौर पर चुनते हैं, कोई नेता का बयान, शिक्षा मंत्री का बयान आना चाहिए, तो यहाँ अतुल बाबू का बयान आ रहा है। वो क्या है, उनका क्या वजूद है, तो वो एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है बीपीएससी, इनका काम है, वैकेंसी दिया है, आप एग्ज़ाम लीजिए, ना कि नेता के तरह आप बयानबाजी कीजिए। तो ये सिस्टम में ही ये हावी हो रहा है, जिससे लोगों में घोर असंतोष की भावना पनप रही है। अपने के बीच अपनों का नेता यदि जिसको चुना है लोगों ने लोकतंत्र में, वो यदि लोगों को कन्विंस करेंगे तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। छात्रों में आपको पता है इस लेवल का डिप्रेशन है, कितने लोग आत्महत्या की बात करते हैं, हम लोगों के पास कितने लोग रोते हुए आते हैं। उस डिप्रेशन में यदि किसी को कुछ हो जाता है, वेलफेयर स्टेट है तो कौन जिम्मेदार है? तो ये शासन प्रणाली का अपना अपना लोगों का तरीका है। और हर जगह आप देखेंगे आज का एक नई परंपरा हो गई है कि ऑफिसर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा जा रहा है, कोई पॉलिटिशियन नहीं आ रहे हैं, ताकि लोगों का आक्रोश जो है सो क्या हो, उनके ऊपर हो, ऑफिसर्स के प्रति हो, ना कि नेता। तो ये अपना एक ढाल के तौर पर, तो वो इंटरनल स्ट्रेटजी है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। छात्रों के लिए जो हित में होगा उस चीज़ के लिए अब एकमात्र विकल्प जो है सो न्यायालय है, और उसमें हम लोग लगे हुए हैं कि हम देखते हैं यदि अब हम कुछ मदद कर पाएँ छात्रों के हित में, तो ये हम कितनी सफलता हमको मिलती है वो तो परिस्थिति बताएगी। तो ये थे शिवनंदन सर, और शिवनंदन सर ने सीधे कहा कि छात्रों के हित में जो भी काम होगा वो हम करेंगे। बहरहाल पेटिशनर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और किस तरीके से न्यायालय इस चीज़ को संज्ञान में गई है, तो इस चीज़ को क्या रिजल्ट फ्लो होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन छात्रों को हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इस पर सिस्टम लगा हुआ है, न्यायालय बीच में संज्ञान में ली है बात को, तो कुछ पॉजिटिव ही हम लोग सोचें और करें, देखें, और हतोत्साहित होकर कोई भी स्टेप ना लें। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा।